अस्सलामुअलैकुम। आलू लोबिया की सब्ज़ी बहुत इजी, बहुत यम्मी और बहुत सिंपल सी, तो ये बहुत आसानी से बनती है। तो चलो इसको बनाते हैं। ये सब सामान तैयार कर लिया है मैंने। मीडियम साइज़ में प्याज हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेंगे और लोबिया के दाने निकाले हैं, आलू काटे हैं, एक बड़े वाला टमाटर और हरा धनिया, ये सब मैंने तैयार कर लिया है। और लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बना लेते हैं और चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो आग जला ली है, देख के रख ली। एक चम्मच घी का मैंने डाल दिया है और इसके अंदर प्याज डाल के हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज डाल के और प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज फ्राई हल्के से फ्राई हो चुके हैं, थोड़े से सुनहरे हुए हैं। तो अब इसके अंदर हम टमाटर डाल देते हैं और टमाटर को साथ में अच्छे से भून लेते हैं। तो टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं और इसको भी साथ में फ्राई कर लेते हैं, अच्छे से मसाले को भून लेते हैं। तो मसाला भुना गया है, अब इसके अंदर आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्च की, ऊपर थोड़ी सी और मिर्च डाल देंगे और एक चम्मच नमक, हसबे जायका आप डाल सकते हैं मिर्च नमक, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जब हमारा मसाला भुना जाएगा तो इसके अंदर हम आलू और लोबिया को डाल देंगे और इसको साथ में अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे मसाले में। तो इसको आपने भूनते ही जाना है, अच्छे से इसको आपने मसाले में भूनना है 10-20 मिनट तक। तो ये अच्छे से भुना गया है आलू और लोबिया। तो अब इसके अंदर हम पानी लगा देते हैं और इसको पकने के लिए रख देते हैं। पानी इतना लगाएंगे कि अच्छे से ये डिप हो जाए। तो ये आलू लोबिया का सालन तैयार हो रहा है। तो इसके ऊपर गरम मसाला डाल देती हूँ। तो ये सालन तैयार हो चुका है, हरा धनिया डाल देते हैं ऊपर। तो फ्रेंड कैसी लगी ये रेसिपी आपको आलू लोबिया की, तो कमेंट में लाजमी बताएं। और ये इसके ऊपर मैं मेथी थोड़ी सी डाल रही हूँ, इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो न्यू है, और कमेंट में लाजमी बताएं कि कैसी लगी है रेसिपी। तो इजाज़त दीजिए, ओके, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगी।